हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज के स्टूडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जितने भी खाने वाले चीज़ें हैं, जैसे कि जलेबी, समोसा, पकौड़े, पनीर, पापड़, अचार, चटनी इत्यादि, इन सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं। आज के स्टूडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे जलेबी है, जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फनल केक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फनल केक। नेक्स्ट है हमारा समोसा। समोसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समोसा को इंग्लिश में कहते हैं रिजोल। समोसा को इंग्लिश में कहते हैं रिजोल। नेक्स्ट है हमारा पकौड़े। पकौड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पकौड़े को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिटर्स। पकौड़े को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिटर्स। नेक्स्ट है हमारा पनीर। पनीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पनीर को इंग्लिश में कहते हैं चीज। पनीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो पनीर को इंग्लिश में कहते हैं चीज। नेक्स्ट है हमारा पापड़। पापड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो पापड़ को इंग्लिश में कहते हैं पोपडम। पापड़ को इंग्लिश में कहते हैं पोपडम। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अचार। अचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अचार को इंग्लिश में कहते हैं पिकल। अचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अचार को इंग्लिश में कहते हैं पिकल। नेक्स्ट हमारा चटनी। चटनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चटनी को इंग्लिश में कहते हैं सॉस। चटनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सॉस कहते हैं। सलाद। सलाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सलाद को इंग्लिश में सलाद बोलते हैं, इंग्लिश में सलाद। ठीक। नेक्स्ट हमारा कचौड़ी। कचौड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कचौड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं पाई। कचौड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो पाई बोलते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मालपुआ। मालपुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मालपुआ को इंग्लिश में बोलते हैं पैन केक। मालपुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो पैन केक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा मक्खन। मक्खन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मक्खन को इंग्लिश में बोलते हैं बटर। मक्खन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो बटर बोलते हैं। अगला है हमारा घी। घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो घी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लैरिफाइड। घी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लैरिफाइड बटर। घी को इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं। दही। दही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दही को इंग्लिश में बोलते हैं कर्ड। दही को इंग्लिश में कर्ड बोलते हैं। रायता। रायता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो रायता को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड कर्ड। रायता को बोलते हैं मिक्स्ड कर्ड। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है हमारा मलाई। मलाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मलाई को इंग्लिश में बोलते हैं क्रीम। मलाई को इंग्लिश में क्रीम बोलते हैं। लस्सी। लस्सी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो लस्सी को इंग्लिश में बोलते हैं चर्न चर्न्ड कर्ड। अगला है हमारा छाछ या मट्ठा। छाछ या मट्ठा को क्या बोलते हैं? छाछ या मट्ठा को बोलते हैं बटर मिल्क। छाछ या मट्ठा को बोलते हैं बटर मिल्क। नेक्स्ट हमारा चावल की खीर। चावल की खीर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में चावल की खीर को बोलते हैं राइस पुडिंग। चावल की खीर को बोलते हैं राइस पुडिंग। साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर को क्या बोलते हैं? साबूदाने की खीर को बोलते हैं सागो पुडिंग। साबूदाने की खीर को सागो पुडिंग। आगे देखते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे खिचड़ी। खिचड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो खिचड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं हॉच पॉच। खिचड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खिचड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं हॉच पॉच। नेक्स्ट हमारा सेवई। सेवई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेवई को इंग्लिश में बोलते हैं वर्मीसेली। सेवई को इंग्लिश में बोलते हैं वर्मीसेली। ठीक। पोहा। पोहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोहा को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैटर्ड राइस। पोहा को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैटर्ड राइस। नेक्स्ट हमारा रोटी। रोटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोटी को इंग्लिश में बोलते हैं चपाती या फिर ब्रेड। रोटी को इंग्लिश में चपाती या फिर ब्रेड बोलते हैं। अगला हमारा पराठा। पराठा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो पराठा को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट ब्रेड। पराठा को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट ब्रेड। तो ये सब इम्पोर्टेंट जो है, जितने भी खाने वाली चीज़ें थी, उनको इंग्लिश में और हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने आपको यहाँ पे
बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।